अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास सिक्स के लेक्चर नंबर 36 के साथ, जिसमें आज हम आपको एक्सरसाइज 8.6 के क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करवाएंगे। इसके कुछ पार्ट्स हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे सो इजी, जिस तरह से आज हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं कि जस्ट उससे हमें वैल्यू जी होती थी ए बी और सी की, हमने उसको अपने क्वेश्चन में पुट करके फाइनल आंसर निकालना होता था। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से है, मैंने टू पार्ट्स आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। क्वेश्चन रीड करती हूँ, इफ ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट। फिर नीचे उसने आपको क्वेश्चन दिया है पार्ट्स में, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, आपने शो करना है कि ए प्लस बी का आंसर जो है वो बी प्लस ए के इक्वल ही आता है। देखिए इस तरह से सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं अपने क्वेश्चन को, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके शो करते हैं इनको। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए प्लस बी, ए की वैल्यू आपने देखी ऊपर 3 है, प्लस की जगह प्लस, बी की वैल्यू आपने देखी 2, 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, ये तो आपके पास आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने इसी की राइट साइड निकाल दिया और ये शो करना है कि उसका आंसर भी 5 ही आना चाहिए। राइट हैंड साइड लिखा बी प्लस ए, अब बी की जगह बी की वैल्यू आपके पास 2 है, प्लस की जगह प्लस, ए की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 2 प्लस 3 कितने हो गए 5, ऑब्वियस ही बात है। चाहे हम 3 प्लस 2 करें या 2 प्लस 3 करें, आंसर तो 5 ही आना है। सो हमने ये शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सेम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन लिखे अपने क्वेश्चन को रीराइट करें, ओके अब उसी तरह से लेफ्ट और राइट, अगर आप री राइट नहीं भी करते तो इसमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन को लेफ्ट और राइट करके प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए मल्टीप्लाई बाय बी, पहले प्लस था अब मल्टीप्लाई हो रही है, देखते हैं इनका फाइनल आंसर क्या आता है। ए की वैल्यू फिर से आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू 2, 3 2 6, देखते हैं राइट हैंड साइड का आंसर भी 6 आता है या नहीं। राइट हैंड साइड पे है बी मल्टीप्लाई बाय ए, बी की वैल्यू अगेन से 2, ए की वैल्यू 3, 2 3 6, ऑब्वियस ही बात है 3 में 2 प्लस करो तो भी 5 आएगा, 2 में 3 प्लस करो तो भी 5, मगर इस क्वेश्चन में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 6 आएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 ही आएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, डायरी में मैं आपको दे रही हूँ टू प्रैक्टिस ऑफ सीडब्ल्यू, इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, अल्लाह हाफिज़।